हेलो नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम लोग डीपीएसपी की बात करेंगे, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ होती हैं, जो पॉलिसीज़ हैं स्टेट्स की, उनकी बात करेंगे। एक तरह से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब आप किसी देश में रहते हो तो उस देश की सरकार, उस देश का क्या कर्तव्य है अपने देश की जनता के लिए। आज हम लोग उसी को जानने की कोशिश करेंगे। पर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए ये सारे वीडियोस, हमारे द्वारा दिए गए सारे लेक्चर्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। अगर सीरियसली आपको ये वीडियोस और हमारे जो एफर्ट्स हैं वो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ जितना हो सके आपको अपना प्यार हम लोगों तक पहुँचाना है, हो सके तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके लाइक करें। एंड प्लीज़ अपने दोस्तों भाई बहनों को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा उतना ही ज़्यादा आप लोगों का जो प्यार है वो हम तक पहुँच पाएगा और लोगों तक हम लोग पहुँच पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर के बारे में आज फाइनल हमारा डिस्कशन शुरू हो रहा है और आज की क्लास होगी हमारी डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो सबसे पहले हम लोग जरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का एक बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं, क्या है, क्या इसका बैकग्राउंड है। तो देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो थॉट है, जो हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट लिया वो कहाँ से लिया, वो आयरलैंड से लिया। कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया। एक्चुअल में ये कहना क्या चाहता है या करता किस तरीके से है, ठीक है? देखो बात समझो, मैंने कई बार ये एग्जाम्पल आपको आपके माता पिता के द्वारा दिया है, ठीक है? ये आपका घर है, ठीक है, जिसमें आपके माता पिता रहते हैं। क्लियर? ध्यान से समझो, आपके कौन माता पिता रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप भी रहते हो। आप क्या हो यहाँ पे? जनता हो। और यहाँ पर माता पिता आपके क्या हैं? गवर्नमेंट है, सरकार है। क्या है? गवर्नमेंट है। और मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर एक चीज पहले बताई थी, आर्टिकल 12 बताया था, आपको याद है? आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 में क्या बताया था मैंने? द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। वो है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यहाँ पे याद रखो। तो यहाँ पर जब स्टेट पॉलिसीज की बात की जा रही है, इसका मतलब किसके बारे में बात की जा रही है? यहाँ पे आपके माता पिता के बारे में बात की जा रही है। जिस देश में आप रह रहे हो, जिस राज्य में आप रह रहे हो, उस राज्य की बात की जा रही है और उसको चलाने वाली जो सरकार है, क्योंकि वही सर्वे सर्वा है, वही क्या करती है, पूरे के पूरे आपका जो गवर्नेंस का सिस्टम है उसको मेंटेन करती है, चलाती है। तो आपके माता पिता के, नो डाउट, आप जिन चीजों की डिमांड करोगे अपने माता पिता से, जो आपकी डिमांड है, ये क्या हो गई आपकी? ये तो हो गए आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए। और जो चीजें आपके माता पिता आपको देंगे, क्योंकि आप इस घर में रहते हो, आप इस देश में रहते हो, ये आप अपने स्टेट में रहते हो एक तरह से बोला जाए, तो आपको यहाँ पे रहने के जो अधिकार मिल रहे हैं उसके बदौलत, मतलब जो चीज़ें मिली हुई हैं अधिकारों के अलावा, जो ड्यूटीज के फॉर्म में आपके माता पिता आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना, क्या ड्यूटीज के रूप में दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये डिसाइड करना उनका कि आपको किस समय सर्दी के कपड़े चाहिए, किस समय गर्मी के कपड़े चाहिए, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना, टाइम टाइम पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करवाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, ठीक है? तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको अडॉप्ट किया है, पार्ट फोर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में ये आता है। आई होप बात समझ में आ गई होगी, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में ये आता है, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले बात होती है स्टेट की, तो स्टेट की अभी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बताई थी। आर्टिकल 12 में जो चीज मेंशन की गई है, पार्ट 3 के आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट से पहले जो स्टेट की डेफिनेशन डिफाइन की गई है, वही स्टेट की डेफिनेशन यहाँ पर भी। और स्टेट की डेफिनेशन वहां पर क्या बताई गई थी कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, के लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में वर्किंग कोई भी क्या ऑफिसर, कोई भी अधिकारी, अब वो चाहे ग्रुप ए का हो, ग्रुप बी का हो, सी का हो, डी का हो, किसी का भी हो, डजंट मैटर, बट कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अगर है, तो उन सबको हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, एज अ स्टेट ही रिकॉग्नाइज करेंगे। क्या मानेंगे? एक राज्य के रूप में मानेंगे, राज्य के रूप में मानेंगे, तभी तो हमको डिसाइड कर पाएंगे ना कि हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं या जो स्टेट है उसकी ड्यूटी क्या है। एक चीज होती है, जब आप किसी सरकारी ऑफिस में जाते हो, आप लोग वहां पे जब कोई अधिकारी बैठा होता है तो उससे बोलते हो ना, ये आपकी ड्यूटी है। कई बार जब ऐसा बहस वाली टाइम हो जाता है तो आप क्या करते हो, ये आपकी ड्यूटी है, आपको करना चाहिए काम। वो ड्यूटी किस हिसाब से? वो एक्चुअल में यहीं से, बात समझ में, वो ड्यूटी कहाँ से? यहीं से।
यहाँ पे आता है आर्टिकल 37। जब हम लोग आर्टिकल 37 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया, यहाँ पे कुछ सर्टेन पॉइंट्स के बारे में बताया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल के। कौन से पॉइंट? कि जो स्टेट है वो कुछ चीज़ों को, कुछ दिशा निर्देशों को, कुछ बातों को क्या करेगा यहाँ पे, फॉलो करेगा, ठीक है। और वो फॉलो क्या करेगा, वो एक्चुअल में करेगा फॉलो अपनी ड्यूटीज को। किसको फॉलो करेगा? ड्यूटी को फॉलो करेगा, एक तरह से बोला जाए क्या, हिंदी में बोलते हम लोग क्या, कर्तव्यों को फॉलो करेगा। किसको करेगा? कर्तव्य को फॉलो करेगा अपने, है ना। अब जिन ड्यूटीज को फॉलो करेगा, आखिर वो ड्यूटी है क्या, उसका कुछ ना कुछ एम है, कोई ना कोई डिसाइडेड पॉइंट है, जिसे बोलते हैं अवशिष्ट तत्व। कौन से तत्व? अवशिष्ट तत्व। अब ये जो तत्व है ये है क्या, जैसे कि यहाँ पर इस चीज को एंश्योर करना कि सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस लोगों को एक समान एक जैसा मिले, हम लोगों को एक वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य को बिल्ड करना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक वेलफेयर स्टेट की तरफ फोकस करना, एक कल्याणकारी राज्य बनाना। कैसा राज्य बनाना? एक कल्याणकारी राज्य बनाना। अब वेलफेयर स्टेट की स्टेब्लिशमेंट करना, यहाँ पर क्या है इसका मेन तत्व है, मुख्य क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव है, भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। तो आर्टिकल 37 आपको समझ में आ गया। साथ ही साथ क्या है यहाँ पर, यह भी चीज बताई जाती है कि राज्य क्या, यहाँ पर कहीं पर भी राज्य क्या है, फोर्स नहीं है राज्य के ऊपर। अच्छा यहाँ पे दिया नहीं है, कोई बात नहीं, राज्य के ऊपर किसी तरह का क्या फोर्स नहीं है यहाँ पर, कि आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट या ये लॉ फॉलो ही करना है। तो यहाँ पे जो फोर्स करने वाली बात होती है वो यहाँ पर नहीं आती। अगर राज्य किसी ड्यूटी को देखो, ड्यूटीज किस तरीके से होती हैं, आपसे भी कहा जाता है ना फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करने के लिए। आप कितने ईमानदारी से लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करते हैं 11 की 11, और ये सच्चाई है नहीं करते। जब नहीं करते तो यहां से हमको एक चीज क्लियर हो जाती है कि स्टेट, अगर मान लो स्टेट के पास पैसे की कमी है, अब पैसे की कमी है तो वो हर बच्चे को PhD में स्कॉलरशिप तो नहीं दिलवा सकता, वो हर बच्चे को BTech में स्कॉलरशिप नहीं दिलवा सकता, पर जहां तक कोशिश हो सकती है वहां तक वो क्या करेगा, अपनी कोशिश करेगा। तो ये जो सारी चीजें होंगी, जो भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, जो भी ड्यूटीज हैं, ये सब की सब क्या है, फोर्स नहीं की जाएंगी स्टेट के ऊपर। क्या नहीं की जाएंगी? फोर्स नहीं की जाएंगी स्टेट के ऊपर, और ना ही आप स्टेट के ऊपर इसे जुडिशियल सिस्टम के थ्रू फोर्स करवा सकते हो, मतलब कि यहां पे जुडिशरी भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। बात समझ में आई? जुडिशरी भी आपकी यहाँ पे हेल्प नहीं कर पाएगी। तो DPSP का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया कि राज्य यहाँ पे कल्याणकारी राज्य बनाने की, स्थापित करने की कोशिश करेगा, अपने नागरिकों को क्या देगा यहाँ पे, उनके कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, नागरिकों को ये सारी सुविधाएं देगा। परंतु यहाँ पर अगर कोई राज्य किसी काम को करने से मना करता है तो उसको फोर्स नहीं किया जा सकता, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ना ही सरकार कर सकती है, ना ही कोई बाहरी शक्ति कर सकती है, और ना ही कोई जुडिशियल सिस्टम उसको फोर्स कर सकता है इन सब चीजों के लिए। क्लियर है यहाँ पे बात? आर्टिकल 36 37 अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, इनको क्या किया गया, यहाँ पर अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें से काफी सारी चीजें कॉमन है, काफी सारी चीजें अलग अलग है, तो हम लोग यहाँ पे जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है क्या, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। इसके अलावा एक और अगर यहाँ पे ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और वो क्या है, आर्टिकल 51 वाला, मतलब 51 वाला अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन। क्लियर? क्या? इंटरनेशनल रिलेशन, आर्टिकल 51 जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, है ना। तो एक तरह से चार आप मान के चलो, पर हम लोग मेनली यहाँ पे तीन के तरीके से देखेंगे, चौथा मैंने आपको जानबूझ के अलग से बताया क्योंकि कई बार इसको हम लोग अलग से देखते हैं, इसलिए कई सारी चीजें यहाँ पे आपको कॉमन मिलेंगी, सेम सेम थॉट मिलेंगे कई जगह पर, तो वहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खुद ही समझा दूंगा। खैर अब यहाँ पे बात होती है क्या, आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 के बारे में यहाँ पे जब बात करते हैं तो स्टेट यहाँ पर किसके बारे में बताया गया, कैसे बताया गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वेलफेयर ऑफ स्टेट जो बताया गया, मतलब स्टेट राज्य का जो काम है वो क्या है, नागरिकों के लिए राज्य में सामाजिक आर्थिक रूप से राजनैतिक रूप से क्या एक समान स्थितियां पैदा करना, लोगों को एक जैसा क्या उनके साथ व्यवहार करना,
लोगों को एक जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाना। भाई जब हम लोग बात कर रहे हैं एज अ वेलफेयर स्टेट, तो वेलफेयर स्टेट आप कैसे डिसाइड करोगे? तो वेलफेयर स्टेट को डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को एक जैसी सुविधाएं देनी पड़ेंगी किसी भी बेसिस पर। जो इनइक्वालिटी फैली हुई है उस इनइक्वालिटी को क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। बात समझ में आई यहाँ पे क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ? आर्टिकल 38 क्या बता रहा है, अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि यहाँ पे क्या कहीं ना कहीं अगर एक तरह से देखा जाए तो वेलफेयर स्टेट या फिर कल्याणकारी राज्य की जो परिभाषा होती है वो यहाँ पर बताई गई है, डेफिनेशन बताई गई है। एक तरह से बोला जाए वेलफेयर स्टेट की यहाँ पे डेफिनेशन बताई जा रही है। कैसे बताई जा रही है, ठीक है देखो यहाँ पर, सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सोशल ऑर्डर, एंश्योरिंग द सोशल, ठीक है, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। तो जो वेलफेयर स्टेट है, जो कल्याणकारी राज्य, जो लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, वो क्या करेगा, उन सभी लोगों को एक जैसे अधिकार प्रोवाइड करवाएगा, एक जैसे राइट्स देगा, एक जैसी इनकम, एक जैसा स्टेटस, एक जैसी फैसिलिटी, एक जैसी नौकरियां, ये सारी चीजें देगा ना। तो जब ये सारी चीजें देगा तो 100% है हमें कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि वेलफेयर स्टेट की परिभाषा यहाँ पर क्या एक तरह से बताई जा रही है कि राज्य के ये सारे के सारे क्या होंगे, काम होंगे। क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है यहाँ पे आर्टिकल 39। जब हम लोग आर्टिकल 39 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बताया गया है, स्टेट शेल इन अ पर्टिकुलर एंड डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवार्ड्स द सिक्योरिंग। तो राज्य यहाँ पे कुछ नीतियां क्या करेगा, सुरक्षित करेगा, बनाएगा किसके लिए, कुछ बताई गई बातों के लिए। क्या क्या वो बातें, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या, सभी लोगों को एक जैसी आजीविका मतलब लेवलीहुड का अधिकार देना, ठीक है। इसके अलावा जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उन सबकी ओनरशिप और उनका कंट्रोल सभी के लिए एक जैसा उपलब्ध करवाना, ठीक है। जो भी सुविधाएं, जो भी चीजें मटेरियलिस्टिक चीजें अवेलेबल हैं उनको क्या लोगों के लिए एक जैसी तरीके से क्या करवाना, अवेलेबल करवाना, उपलब्ध करवाना। आई होप बात समझ में आई यहाँ पे आपको, दोनों पॉइंट समझ में आ गए। तो ये एक्चुअल में 39 ABCD इस तरीके से है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है। फिर यहाँ पे क्या लिखा गया कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में वेल्थ ना चली जाए, पैसा ना चले जाए, इस चीज का ध्यान रखना। क्या इस चीज का भी ध्यान रखना, किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरा का पूरा पैसा ना चला जाए, धन संपदा ना चली जाए, आर्थिक स्थिति ना चली जाए, इस चीज का ध्यान रखना। इक्वल पेमेंट, जब पुरुष और महिला दोनों एक समान व्यवहार करें, एक समान नौकरी करें, एक समान पोस्ट को हैंडल कर रहे हैं, तो यहां पर क्या दोनों की सैलरी में भी किसी तरह का अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों को इक्वल पेमेंट अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहां पे और क्या होता है, यहां पे आता है क्या, स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। तो जो भी कामगार लोग हैं, ठीक है, जो भी वर्कर्स हैं, उनकी हेल्थ और उनकी स्ट्रेंथ का ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना उनका शोषण हो रहा हो, ठीक है। तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी शक्ति का ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा क्या आता है, यहाँ पे आता है चाइल्डहुड एंड यूथ, इनका शोषण ना हो रहा हो, कहीं ऐसा ना हो किसी बच्चे का या फिर किसी यूथ का किसी जगह पर शोषण हो रहा हो, तो उसको भी यहाँ से क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो ये चीजें कहाँ पे आती है, हमारे आर्टिकल 39 में आती हैं। तो ये अलग अलग आर्टिकल 39 में ABCD करके क्लॉज बने हुए हैं, उन्हीं क्लॉज में इनको क्या किया गया, अलग से डिफाइन किया गया है। कोई डाउट यहाँ पे? अब देखो यहां पर, अब सोशल जस्टिस की बात हो रही है तो यहां पर हम लोग एक और पॉइंट आ जाता है, जब आप पढ़ते हो 39A, 39A अलग से एक बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अभी तक तो जो चल रहे हैं वो अलग चल रहे हैं, ये 39A क्या कौन सा है, ये 39A है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, क्या बोलेंगे, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं क्या, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, सॉरी निशुल्क विधिक सहायता, अब
समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, और इसको क्या अलग से डाला गया है यहाँ पर, कब डाला गया है, तो 42nd अमेंडमेंट में डाला गया है। अब आप कहोगे सर अभी आपने बताया था कि ये जुडिशियबल नहीं है, मतलब इनमें बाध्य नहीं किया जा सकता, इसमें चेंजेस नहीं हो सकते। देखो चेंजेस हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं, पर स्टेट को फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये चेंजेस पहले नहीं हो सकते थे, आफ्टर इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारे चेंजेस किए, उन चेंजेस में ये चेंजेस हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 41। 41 किसके बारे में बताता है, तो 41 हमको बताता है कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में लोगों को क्या यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट या फिर उनको अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाना, उनके राइट्स के लिए अवेलेबल कराना, उनको एजुकेशन अवेलेबल करवाना। कौन सी वो स्थिति है, ठीक है, सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन अ केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। अगर कोई व्यक्ति मतलब दिव्यांग है तो ऐसे व्यक्ति को कुछ अलग से अधिकार देना, उसके एजुकेशन को इजी बनाना ताकि वो एजुकेट हो सके, पढ़ाई लिखाई कर सके, ठीक है। उसके लिए वर्किंग राइट्स बेटर बनाना। आप आज के टाइम पर देखो कितने दिव्यांग ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम पर IAS IPS ऑफिसर बन के बैठे हुए हैं, अधिकारी वर्ग में बैठे हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ अपने आप में बहुत बड़ी है, और ये कहाँ से आ रही है, आर्टिकल 41 से ही कहीं ना कहीं आ रही है कि सभी को एक समान अधिकार मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा, कई ऐसे दिव्यांग लोग हैं जो बड़े बड़े आधिकारिक पद पर बैठे हुए हैं, जो ये सब काम संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं। फिर आपने देखा होगा उन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन राइट्स भी दिए जाते हैं, और वो देने का पीछे जो रीज़न होता है वो भी एक्चुअल में यही होता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 42 के बारे में। 42 के बारे में जब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर किसके बारे में बात होगा, ठीक है, यहाँ पर बात की जाएगी कि जो भी वर्किंग कंडीशंस होती हैं, क्या वर्किंग कंडीशंस जो होती हैं वो ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनको क्या मैटरनिटी लीव मिल सके, मातृत्व सहायता मिल सके, राहत मिल सके, ठीक है। तो आप लोग जो देखते हो कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो ऐसे में उसको क्या यहाँ पर मैटरनिटी रिलीफ मिल जाती है, ऐसे में उसको सैलरी भी मिलती रहती है। पहले 6 महीने तक का था, आज के टाइम पर तो 1 साल तक चलता है ये मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। अब आज के टाइम पर तो पुरुषों को भी मिलने लगी है पेरेंटल रिलीफ करके, कि अगर ऐसे में आपके बच्चे घर में नया बेबी आया है तो आपको 2 महीने तक की वहाँ पे लीव मिल जाती है ना। तो ये भी अपने आप में बड़ी करिश्माई बात है, और खैर अच्छा भी है कि चलो ठीक है यार, सभी लोगों को एक समान अधिकार दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी महिला को पुरुष की आवश्यकता होती है उस समय पर, जिस समय पर वो बच्चे को संभाल रही है, उस समय पर उसे अपने को भी संभालना है, परिवार भी संभालना है और बच्चे को भी संभालना है। तो ऐसे में अगर पुरुष के पास भी इस तरह की कुछ बेनिफिट्स होंगे तो वो कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है। आई होप बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, वर्किंग कंडीशन को लेकर। तो कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो ऐसे में काम करते समय उसको क्या यहाँ पे कुछ ना कुछ अधिकार दिए जाते हैं। तो ये जो अधिकार हैं इन्हीं की सुरक्षा यहाँ पर क्या की गई है, दी गई है। भाई काम करते वक्त आपके लिए क्या मानवीय, एक मानवीय, अमानवीय नहीं, मानवीय एक रूप होना चाहिए, काम करने की स्थिति होनी चाहिए प्रॉपर। आपको ह्यूमिलेट ना किया जा रहा हो, आपके साथ अभद्रता ना की जा रही हो, ठीक है। आपको एक तरह से कहीं टोंटबाजी जो होती है, एक बार ऑफिस में आप देखते हो ना टॉक्सिक, तो टॉक्सिक बिहेवियर ना हो ताकि आप ज़्यादा बेहतर काम कर सको, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। आई होप आपको आर्टिकल 41 42 समझ में आ गया होगा दोनों। अब आते हैं आर्टिकल 43 पर। 43 किसके बारे में बताता है, 43 बताता है हमें यहाँ पर वर्कर्स के लिविंग वेजेस, लिविंग वेजेस के बारे में बता। एक अच्छे जीवन यापन के लिए, एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए कितना, एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए कितना सैलरी, कितना वेजेस जरूरी है, इस चीज को इंश्योर करने का काम आर्टिकल 43 करता है। कौन करता है, आर्टिकल 43 करता है। कुछ स्टेट्स में आप लोग ये देखोगे कि वहां पे डिसाइडेड होता है कि किसी भी वेज, किसी भी वर्कर को, किसी भी जो आपका मजदूरी का काम कर रहा है उसको आप मिनिमम इतना प्राइस तो दोगे ही दोगे। तो वो जो मिनिमम इतना प्राइस वाला ये होता है ना, वो एक्चुअल में यही चीज है, यहीं से वो निकल जाता है। फिर इसी में 43B बना, ये भी वही 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ था, ध्यान रखना 42nd अमेंडमेंट में इसको भी ऐड किया गया था। यहां पर क्या बताया गया, यहां पे बताया गया सहकारी समितियां।
सहकारी समिति बनाने का, उनको मैनेज करने का, ठीक है, अधिकार किसको दिया गया यहाँ पर? लोगों को दिया गया कि वो लोग क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मैनेज कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं डेमोक्रेटिकली, ठीक है, और वॉलेंट्री यहाँ पे क्या उसका फॉर्मेशन भी किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, क्लियर है। देखो बहुत आराम से छोटे टॉपिक हैं, कोई ज्यादा बड़ा इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिसमें आपको इन डेप्थ कुछ कूदना हो या अलग से कुछ जानना हो, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कुछ तीन चार चीजें हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, जैसे मैंने पीछे आपको अभी एक बताया था, यहाँ पर 43 हो गया है, तो कुछ कुछ आर्टिकल हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा और बताता भी रहूंगा। अब जैसे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 46 की, 46 यहाँ पे किसको प्रमोट करता है? आर्टिकल 46 यहाँ पे प्रमोट करता है एजुकेशनल इकोनॉमिकल वीकर सेशन जो, और जो वीकर सेशन है उसको क्या स्पेशल राइट्स के लिए बात करता है, कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन हैं, ये जो पिछड़े हुए लोग हैं एससी एसटी और अदर जो वीकर सेशन है, उनको क्या किया जाएगा यहाँ पे राइट्स दिए जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग बात कर सकते हो क्या इकोनॉमिकल वीकर सेशन है ना। अब जो ओबीसी वर्ग है उनके लिए एक अधिक अलग अधिकार है, पर एससी एसटी के लोग आपको पता है ये तो खैर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे लोगों को, ऐसे वर्ग के लोगों को क्या एजुकेशन और उनको क्या आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना, क्या उपलब्ध करवाना? आर्थिक सहायता। अब आप कहोगे सर एजुकेशन मतलब कि स्कूलिंग और कॉलेजेस में बेनिफिट मिलता है, स्कूल एंड कॉलेजेस के बाद फिर जब कोई बच्चा अगर मान लो आज के टाइम पर कोई फॉर्म फिल करता है, तो फॉर्म फिल करता है तो ऐसे में वहां पर भी उसको राइट मिल जाता है, आई होप बात समझ में आई होगी, वहां पर भी उसको क्या मिलता है, अधिकार मिल जाता है, राइट मिल जाता है कहीं ना कहीं। क्लियर है ना बात, समझ में आ गई बात क्या समझा रहा हूँ? तो जब कोई फॉर्म फिल करता है तो वहां पर उसको राइट क्या मिल जाता है, कि उसको कहीं ना कहीं एक तरह से बोला जाए एक प्रिविलेज मिल जाती है, थोड़ी सी प्रिविलेज मिलने के साथ साथ उसे फीस नहीं देनी पड़ती, तो इससे क्या होता है वो अपना स्टैंडर्ड फिर इंप्रूव कर लेगा इकोनॉमिकली। जब उसे एक नौकरी मिल जाएगी तो वो क्या करेगा, अपने परिवार का अपना स्टैंडर्ड इंप्रूव करेगा, अपने बच्चों को आगे लेकर आएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसके बच्चे सोचेंगे कि हाँ अब हमारे पास सारे अधिकार हैं, हमारे पास हर एक चीज उपलब्ध है, अब हमको क्या ये जो राइट है या ये जो रिजर्वेशन हमको मिला हुआ है अब इसको क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। क्लियर, बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं? फिर यहाँ पे आगे बात करते हैं आर्टिकल 47 को लेकर। आर्टिकल 47 के बारे में बात की जाए तो ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है कहीं ना कहीं इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। अब जब हम इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं तो पब्लिक हेल्थ तो है ही है, इसके साथ साथ यहाँ पर इस चीज को भी ध्यान दिया गया है कि जितने भी इंटॉक्सिक कंजम्पशन होते हैं, मतलब कि ड्रग और ड्रिंक्स, मतलब एक तरह से बोला जाए शराब, जो कि आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है, इनको भी क्या करना, कंट्रोल करना, इनको कम करना। बट बड़ी अजीब बात है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 44 को लेकर, तो वहां पे इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं और यहाँ पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, जबकि ये जो विचार है ये तो गांधीयन थ्योरी के हिसाब से, अभी हम पीछे पढ़ रहे थे, अभी आप देखोगे ये वाला मैं फिर से बताऊंगा, क्यों बताऊंगा, क्योंकि ये गांधीयन थ्योरी के हिसाब से, जो गांधीयन कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से, गांधी जी की विचारधारा क्या थी, यही थी ना कि लोगों में किसी भी तरह का अल्कोहल, किसी भी तरह के ड्रग्स का जो कंजम्पशन है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल जीरो हो जाना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए वो। क्लियर, बात समझ में आ गई यहाँ पर, कोई डाउट तो नहीं? अगर कोई डाउट है तो प्लीज हाँ या ना में जवाब दे देना, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि मैं जितना आसान हो सकता है उतना आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप लोगों से भी मैं उम्मीद करता हूं प्लीज जितना हो सके आप लोग भी रिस्पॉन्स करें, कमेंट करके जरूर बताएं, फीडबैक आप लोगों का बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका फीडबैक मिलेगा तब हम लोग और अच्छे वीडियोज बना पाएंगे और ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। अब आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल पर, जब गांधीयन प्रिंसिपल की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 किसके बारे में? सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाए तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? पंचायत, और किसके बारे में बात हो रही है? म्यूनसिपालिटी, मेनली तो म्यूनसिपालिटी बोला नहीं जाता, पंचायत ही बोला जाता है। पंचायत जो है, पंचायत का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के है? पंचायत का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में गांधी जी का दिया हुआ था, ऐसा नहीं था इससे पहले कोई पंचायत थी नहीं, पंचायतें थी ये सारे काम होते थे, पर गांधी जी का मानना ये था कि पंचायतों के पास अपने खुद के अधिकार होने चाहिए ताकि वो लोकल लेवल पर छोटी छोटी यूनिट्स में किसी
क्या कर सके, अपने लिए कुछ बेहतर डिस्कशन कर सके, अपने लिए बेहतर स्टेप्स ले सके। ये विचार था गांधी जी का, सेल्फ गवर्नमेंट का। आई होप क्लियर हो गया ये बात। यहाँ पे आपको पता है आर्टिकल 40 के बारे में, लगातार आप लोग पढ़ते रहते हो। अभी इससे पहले भी जब आपको शेड्यूल पढ़ाए थे तब भी पढ़ाया था इसके बारे में। उसके बावजूद भी अगर आपको याद नहीं है तो भाई बहुत बड़ी विकट स्थिति है। अब आपको ये बताना, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर मेरी तरफ से भी, पंचायतों के लिए शेड्यूल कौन सा आता है और एक आर्टिकल आता है वो कौन सा आता है? और कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा आर्टिकल है वो, एक आर्टिकल है प्रॉपर, कौन सा पार्ट है, पार्ट और आर्टिकल बताओ। चलो ये क्वेश्चन आप लोगों से, मैं देखता हूँ कितने लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं। एक बताओ शेड्यूल की कौन सा शेड्यूल है, और दूसरा ये बताओ पंचायतों के लिए कौन सा पार्ट और आर्टिकल है। चलो तब तक आगे बढ़ते हैं, जितने लोग कमेंट करेंगे हम लोग उनके कमेंट पर बता देंगे आंसर सही है या गलत है। ठीक है, हर्ट दे दिया जाएगा उनको। खैर अब आते हैं यहाँ पे आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 यहाँ पे क्या आता है गांधी जी के, उसमें तो गांधी जी के विचार के हिसाब से यहाँ पे आर्टिकल 43 क्या आता है कि व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर क्या, जो कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे जो उद्योग होते हैं, उनको क्या करना, प्रमोट करना। आपको पता है गांधी जी शुरू से जो स्वदेशी मूवमेंट लेकर चल रहे थे उसमें वो लोगों को चरखा चलाना, धागा बनाना, कपड़ा बनाना बताते थे। तो ये चीज क्या है, कहीं ना कहीं क्या एक तरह से बोला जाए आत्मनिर्भर भारत की छवि प्रस्तुत करती है। और वही चीज यहाँ पर भी है, गांधी जी बोल रहे हैं क्या कि स्टेट का कर्तव्य है कि वो क्या करे, छोटी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे, कहाँ, रूरल एरियाज में, इंडिविजुअल और कॉपरेटिव बेसिस पर जो छोटी यूनिट्स होती हैं इंडस्ट्रीज की, छोटे एरिया में, रूरल एरिया में, कस्बों में, उनको क्या किया जाए, जितना हो सकता है उतना ज्यादा प्रमोट किया जाए। क्लियर? फिर इसी के अंतर्गत आता है आर्टिकल 43 बी। जब हम लोग आर्टिकल 43 बी के बारे में बात करते हैं तो यहां पर क्या आता है, यहां पे हम लोग बात करते हैं क्या, सेम वही बात पीछे जो मैंने अभी आपको बताई थी, अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा भी होगा। देखो यहाँ पर आर्टिकल 43 किसके बारे में पढ़ा था, कॉपरेटिव सोसाइटी के बारे में। पर देखो दोनों जगह शब्दों का क्या हो रहा है, यहाँ पे चयन अलग तरीके से हो रहा है, यहाँ पर मैंने अलग तरीके से लिखा है, पर बात वही है कॉपरेटिव सोसाइटी वाली, सेम वो चीज यहाँ पर भी आती है आर्टिकल 43 में। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर 43 बी और ए दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखना। एक जगह जो होता है वो होता है क्या, प्रबंधन वाली बात, जो अभी आप लोग पीछे पढ़ रहे थे, या यहाँ पर जो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो उसके लिए मैं बता देता हूँ। ए और बी दोनों अलग अलग चीजें। तो एक में है क्या, जो प्रबंधन है उद्योगों का, जो मैनेजमेंट है उसकी बात हो रही है, और दूसरे में यहाँ पर क्या, इंडिविजुअल बेसिस पर रूरल एरियाज में स्टेब्लिश करने की बात हो रही है। तो इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। आर्टिकल 46 आता है यहाँ पर। आर्टिकल 46 पीछे भी पढ़ा था, सेम वो चीज यहाँ पर भी आती है। गांधी जी भी क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए कहीं ना कहीं अधिकारों की मांग करते थे, उन्हीं के द्वारा हरिजन शब्द कहा गया था यहाँ पर। तो वो जो चीज है वो ये कहीं ना कहीं यहीं से आती है। तो गांधीयन विचारधारा के अकॉर्डिंग भी लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को कहीं ना कहीं शिक्षा का और आर्थिक अधिकार दिए जाने जरूरी है। फिर आता है यहाँ पर क्या आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 किसके बारे में, आर्टिकल 47 वही आपको अभी बताया था ड्रिंक को लेकर, पीछे जो आप लोगों ने पढ़ा था। तो पीछे हम लोग जो पढ़े थे वो सोशल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम लोग गांधीयन थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, गांधीयन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। क्या है यहाँ पर, इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, प्रोहिबिट द कंजम्पशन एंड इंटॉक्सिकेशन ऑफ द ड्रिंक एंड ड्रग दैट आर इंजीरियस टू हेल्थ। ऐसे किसी भी नशीले पदार्थ को, ऐसे किसी भी ड्रग को समाज में, लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए। राज्य इनको रोके, कंट्रोल करे, ताकि लोगों की हेल्थ ज़्यादा बेहतर हो सके। भाई कल्याणकारी राज्य कौन सा होगा, आप किसी एक गुड फैमिली को कैसे पहचानोगे कि वहाँ पर किसी भी तरह की ड्रिंकिंग हैबिट ना हो लोगों में, ड्रग की हैबिट ना हो, सिगरेट की हैबिट ना हो। हम लोग इससे किसी व्यक्ति के गुड कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं ना, कि उसके अंदर इस तरह की कोई भी गलत चीज़ें अवेलेबल नहीं है, कोई वो किसी भी तरह का नशा नहीं करता वो। ठीक है, अब कई लोग यहाँ पे कहेंगे सर नशा करने से थोड़ी कैरेक्टर पता चल जाएगा, जो लोग नशा नहीं करते वो भी तो गलत काम करते हैं, वो करते हैं। देखो दोनों चीजें में फर्क है, ये गांधी जी का विचार है। और मैं कहीं ना कहीं गांधी जी की बहुत सारी बातों से अगर मैं सहमत नहीं हूं, पर इस बात से बहुत ज्यादा सहमत हूं। गांधी जी ये मानते हैं ड्रिंक और ड्रग जो होता है
और उन्होंने कॉन्सेप्ट ये दिया था कि कोई भी व्यक्ति अगर सांप का जहर पॉइजन पी ले, तो पॉइजन पीने से सिर्फ उसका शरीर मरेगा, पर अगर वो ड्रिंक और ड्रग करता है, ड्रगिंग कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, तो उससे उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा मर जाएगी। और एक्चुअल में होता क्या है कि जो व्यक्ति होश में रहकर काम कर रहा है, चलो ठीक है समझ में आ रहा है, अगर आपने ड्रिंक कर लिया, आप होश में नहीं हो और आपने कोई भी गलत काम कर लिया, कोई भी गलत स्टेप ले लिया, अब पछतावा हो रहा है वो अलग चीज है कि यार मैंने नशे में ऐसा कर दिया, सॉरी फॉर दिस, पर सॉरी किस हिसाब से? आप कल फिर नशा करके करोगे। तो ड्रिंक करने के बाद ना आपकी जो मोरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो थॉट होते हैं, जो विचार होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। और मैं कहीं ना कहीं इस चीज के लिए बोलता हूं, अगर आपके आसपास कोई करता है तो उसको समझाओ, उससे छुड़वाओ, और अगर आप कर रहे हो तो प्लीज इसे छोड़ दो। मैं कई अपने स्टूडेंट्स को जानता हूं जो इस तरह की चीजें करते हैं, बट मैं सीरियसली उनको हमेशा समझाता हूँ कि इन चीजों से जितना ज्यादा आप लोग दूर रहोगे, लाइफ उतनी ज्यादा बेहतर होगी आपकी। ठीक है, प्लीज आप लोग समझिए, एक ना एक दिन तो सभी को जाना है इस दुनिया से, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इस तरीके से जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 48, 48 किसके बारे में बताता है? 48 बताता है गायों के लिए, ठीक है, जो हमारे दुधारू जानवर होते हैं, उनके कहीं ना कहीं वध को रोकना, उनकी जो स्लॉटरिंग होती है, जो उनको मारने की प्रक्रिया होती है, उसको क्या करना, समाप्त करना। अनफॉर्चुनेट कंडीशन, आज भी कई राज्यों में इसको फॉलो किया जाता है और इसे समाप्त करने की कोशिश नहीं की जाती। बेटर ब्रीड तैयार करना तो हम सोच ही नहीं रहे, हम लोग यहाँ पे स्लॉटरिंग को और ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा गलत। ठीक है, अब धार्मिक भावना के हिसाब से सोचोगे तो वो तो है ही है अलग, बट उसके अलावा भी गलत है। ठीक, जानवर आपके और भी तरीके से काम आ सकते हैं। मैं तो कहता हूँ चलो ठीक है, आपने इतनी बड़ी बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रखी हैं, जो जानवर अब दूध नहीं दे सकता, किसी काम नहीं आ रहा आपका, ठीक है आप उसको लेकर ले जाकर जंगल में छोड़ दो, आप उसको ले जाकर वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एरियाज में दे आओ जाकर, वो लोग अपने हिसाब से जंगल में डाल देंगे, वो फिर अपनी लाइफ जैसे चाहे वैसे जिए, फिर उनको उनकी लाइफ है, वो वहां पर कोई शेर चीता कोई भालू आकर उनको खा रहा है तो वो अलग चीज है, वो उनकी अपनी लाइफ है। एटलीस्ट कम से कम यहां तक तो डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है क्या, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, एक तरह से बोला जाए बौद्धिक विचार के आधार पर। तो जब बौद्धिक विचारों के आधार पर करें तो सबसे पहली बात किसके बारे में होती है, आर्टिकल 44 के। इसके ऊपर ऑलरेडी एक ऐसे राइटिंग हम लोगों ने ली है, तो प्लीज आप लोग उसको जरूर देखिए। मैं कोशिश करूंगा जहां पर मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो ऊपर ये जो आई बटन आता है यहाँ पर मैं आपको उस ऐसे राइटिंग का प्रॉपर बटन अवेलेबल करवा दूँ, ताकि आप उस पर क्लिक करके उस ऐसे को देख सको। ठीक है, चलिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको पता है आज के टाइम पर बहुत ज्यादा चर्चा में, लगातार विधि आयोग इसके ऊपर बात कर रहा है, शाहबानो केस आप लोगों ने सुना होगा, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ बार बार डिमांड होती है, बार बार ये चीज़ें आगे निकल कर आ रही हैं। अब ये जो इंटेलेक्चुअल एंड लिबरल राइट है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअलिटी कब आएगी, जब सभी के लिए एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। जब सभी के लिए एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, आप जब एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ही नहीं करवा रहे हो, सभी को पर्सनल लॉ दे रहे हो, क्या दे रहे हो, पर्सनल लॉ दे रहे हो, तो 100% है वो लोग अपने हिसाब से अपनी चीजों को फॉलो करेंगे, वो क्यों देश की भावना और एक यूनिफॉर्म कोड और एक जैसे कानून की बात करेंगे। बात समझिए, खास तौर से ये समस्या जो आ रही है वो इंडिया में केवल एक ही कम्युनिटी के साथ आ रही है, मुस्लिम्स कम्युनिटी के साथ। बात समझ आई, मुस्लिम्स के साथ भी अब समस्या क्या है कि इनको कुछ धार्मिक नेता और इनके पॉलिटिकल लीडर्स बहुत ज्यादा गलत डायरेक्शन में भड़का रहे हैं। अब मुस्लिम से कहा जा रहा है कि भाई हम लोग शरीयत लाने की कोशिश करेंगे, भाई शरीयत लाने की कोशिश करोगे तो फिर आप अपने हाथ भी कटवा दो अगर आप चोरी कर रहे हो। बात समझ में आई, ये भी तो यहाँ पर जरूरी है ना, पर वहां पर लोग पीछे जाएंगे, नहीं नहीं हाथ काटना तो गलत है, शरीयत के अकॉर्डिंग वो फॉलो नहीं करेंगे, बाकी शरीयत फॉलो कर लेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये विचारधारा जो है ना लोगों की इस तरीके से कुंठाग्रस्त कर दी गई कि लोग समझ नहीं पा रहे, और कहीं ना कहीं ये उन मुस्लिम बेटियों के लिए, उन मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सोचो जो पुरुष आज यहां पर बात कर रहा है पर्सनल लॉ के बारे में कि जी नहीं पर्सनल लॉ होना चाहिए,
चल उसी पुरुष की बेटी के साथ तीन तलाक हो जाए, जिसे तलाक बिद्दत कहते हैं, जो सबसे ज्यादा चर्चा में कि 3 बार बोला और हो गया तलाक, कहीं पर लिख कर दे दिया, हो गया तलाक, ठीक है। वो जो समस्या, अगर सोचो ऐसे में उस व्यक्ति की बेटी के साथ अगर वो तीन तलाक हो रहा है, तो फिर अब अनफॉर्चुनेट कंडीशन क्या है कि वो लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, हाँ होता है तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, हमारा नियम है, हमारा लॉ है। मतलब ये कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि आप अपनी बेटी के अधिकारों को भी नहीं यहाँ पर समझ पा रहे हो, बड़ी अनफॉर्चुनेट कंडीशन है। फिर यहाँ पे आता है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है, ये प्रोवाइड करवाता है अर्ली चाइल्डहुड केयर, प्रोवाइड करवाता है, क्या करवा रहा है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, जिनकी उम्र कितनी, 6 वर्ष तक है। कहाँ तक है, 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको क्या, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। कौन सी, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। इसी प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत मिड डे मील प्रोवाइड करवाया जा रहा है, इसी प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत क्या स्कूलों में बच्चों की जो हेल्थ बेनिफिट होते हैं वो सब भी दिए जाते हैं, पता है। फिर यहाँ पे आता है आर्टिकल 48। 48 किसके बारे में, 48 है यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, और क्या, उनका मॉडर्नाइजेशन करना और उनको साइंटिफिकली आगे लेकर आना, वैज्ञानिक रूप से उनको क्या आगे बढ़ाना, ये चीज यहाँ पर आती है। बात समझ में आई। फिर इसी में क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है, इसके बारे में बात की गई है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर बात की गई है, फॉरेस्ट को लेकर बात की गई है, ये भी सेम वही आर्टिकल 42 अमेंडमेंट में आया था। इसमें आया 42 अमेंडमेंट में आया, ये भी बात समझ में आई यहाँ पे आर्टिकल 48 ए। फिर यहाँ पे आता है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 के बारे में बात करें तो किसके बारे में बताता है, ये बताता है प्रोटेक्ट एवरी मोनूमेंट, जो भी हमारे स्मारक हैं, ठीक है, जो भी आर्टिस्टिक चीजें पुराने टाइम पर बनी हुई हैं, कलात्मक चीजें, जो भी हिस्टोरिकल इंटरेस्ट की चीजें, उनको क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाए राज्य के द्वारा, क्या किया जाएगा, राज्य के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा। मतलब कि अगर कोई भी साइट, कोई भी ऐसी जगह है जिसको ASI आइडेंटिफाई कर दे, तो उसको प्रोटेक्शन देने का काम किसका है, राज्य का है। बट अनफॉर्चुनेट कंडीशन, उसके बावजूद भी कई हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को, कई हिस्टोरिकल टेम्पल्स को यहाँ पे तोड़ दिया जाता है। अभी आप लोग कई बार इसके बारे में विवाद सुन रहे होंगे, तमिलनाडु गवर्नमेंट में लगातार विवाद चला आ रहा है। फिर यहाँ पे आता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है, आर्टिकल 50 बता रहा है सेपरेशन के बारे में, इसे सेपरेट करना एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को। भाई नो डाउट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अगर देखा जाए तो आपके, एक तरह से देखा जाए आपके IAS IPS हो गए एग्जीक्यूटिव बॉडी, और जुडिशरी बॉडी हो गई क्या, आपका न्यायालय, आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपकी न्याय व्यवस्था। तो ये इन दोनों को क्या किया गया, अलग किया गया। पहले क्या होते थे अंग्रेजों के टाइम पर, पहले शुरुआत में एक ही थे, जिस बंदे ने गिरफ्तार किया, जिस मजिस्ट्रेट ने या फिर जिस IAS अधिकारी ने, जिस कलेक्टर ने किसी बंदे को गिरफ्तार करवाया, उसी ने उसको सजा सुना दी, 2 साल तक जेल में रखो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को क्यों अलग किया गया, ताकि दोनों एक दूसरे के वर्क में, काम में क्या, इंटरफेयर ना करें, दोनों अपना अपना काम अपने अपने एरिया में प्रॉपरली क्या करें, मेंटेन करें। तो यहाँ पे राज्य के द्वारा इसको भी क्या किया गया, आइडेंटिफाई किया गया कि हमें एक सेपरेट जुडिशियरी और एक सेपरेट क्या, एग्जीक्यूटिव को इस्टेब्लिश करना होगा। फिर आता है यहाँ पे आर्टिकल 51 ए। जब हम लोग आर्टिकल 51 ए की बात करते हैं, तो यहाँ पर 51 ए किसके बारे में बता रहा है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बता रहा है। इसके बारे में बता रहा है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बता रहा है। अगर आप इन थॉट को पढ़ोगे तो ये कहीं ना कहीं जो विचार है, ये जो थॉट है, किसके हैं, नेहरू के विचार हैं। नेहरू ने एक विचार, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने, जेएल नेहरू ने एक विचार दिया था पंचशील का, पंचशील ये जो पंचशील का सिद्धांत, इसमें 5 सिद्धांत है, उन्हीं 5 सिद्धांतों से इंस्पायर्ड है ये भी। क्या क्या बताया गया कि जो दो देश हैं, जो जो राष्ट्र हैं, उनके बीच में क्या प्रॉपरली एक रिलेशन को बिल्ड करना,
ठीक है, जहां पर वो दोनों ही क्या एक दूसरे को समान नजरिए से देखें, इससे देखें समान नजरिए से देखें, न्यायपूर्ण तरीके से क्या करें व्यवहार करें, यही चीज यहाँ पे बोली गई है। और क्या बोला गया है, और बोला गया अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो लॉ है और जो ट्रिटी है उनको क्या किया जाए, उनको रिस्पेक्ट दी जाए, उसके ऊपर किसी तरीके का विवाद ना हो। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय ट्रिटी की गई है तो उसको क्या किया जाए, सभी लोगों के द्वारा अपनाया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। और क्या बताया गया यहाँ पर, और बताया गया यहाँ पर क्या लास्ट, कि इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स हैं उनको क्या सेटलमेंट उनका जो वो किस तरीके से हो आपस में बैठकर किया जाए, एक जगह पर आकर दोनों अपने इंटरेस्ट को सामने रखें और उसके हिसाब से क्या किया जाए यहाँ पर डिसाइड किया जाए कि क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है। 51A, 51B और 51C, तो तीनों चीजें समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से। आर्टिकल 51 हमको क्या बता रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पे आता है आर्टिकल 51A, वो वाला अलग है, यहाँ पर ये कि सब क्लॉज में आता है 1-2 करके आता है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे आता है आर्टिकल 51A, इसे के लिए अलग से पार्ट बनाया गया, पार्ट 4A अलग बनाया गया जिसमें इसको डाला गया। इसमें क्या बताया गया, इसमें यहाँ पे ड्यूटीज दी गई हैं लोगों की, ये ऑलरेडी वैसे मैं टॉपिक बता चुका हूँ पर मैं फिर भी एक बेसिक यहाँ पर आपको नजरिया दे रहा हूँ। एक स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी 1975 में एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, इन्होंने पूरी चीज को अंडरस्टूड किया, अंडरस्टूड करने के बाद बताया यार हमको ना ड्यूटीज बनानी चाहिए लोगों के लिए, और ये किसके अकॉर्डिंग बना, यूएसएसआर के अकॉर्डिंग बना, और ये कहा गया यूएसएसआर के अकॉर्डिंग हमको भी यहाँ पे क्या फंडामेंटल ड्यूटीज बनानी चाहिए जो कि एक्चुअल में लोगों के द्वारा क्या की जाएगी यहाँ पे फॉलो की जाएगी, और इसके लिए अमेंडमेंट किया गया था कब, 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें इसको क्या किया गया ऐड किया गया। तो इसमें 5-10 जो शुरुआती राइट्स थे, ड्यूटीज थे सॉरी, 10 क्या है सबसे पहले आ गई थी, और जो लास्ट वाली थी इसको क्या किया गया सबसे आखिर में लाया गया, कौन से अमेंडमेंट में, 86th अमेंडमेंट में। इसमें 86th अमेंडमेंट में 2002, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे, समझ में आ गई बात अच्छे से, क्या यहाँ पे कहानी चल रही है। मैं ऑलरेडी वैसे ये टॉपिक कवर करवा चुका हूँ आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज वाला, तो इसलिए दोबारा इसको अलग से बताने की कोई मतलब बनता नहीं। अब यहाँ पे जरा बात कर लेते हैं इनमें फर्क क्या है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में फर्क क्या है। तो फंडामेंटल राइट क्या है, एक नेगेटिव जुडिक्शन आते हैं, और जबकि DPSP क्या है, एक पॉजिटिव जुडिक्शन है, ठीक है। ये जस्टिफेबल है, मतलब इनके ऊपर क्या अगर किसी व्यक्ति के राइट्स को हनन किया जाता है, उनके राइट्स को एबॉलिश किया जाता है, तो वो यहाँ पे जुडिशरी के पास जा सकता है, पर ये नहीं है, मतलब कि अगर आप चले भी गए डायरेक्टर प्रिंसिपल के किसी काम को लेकर कोर्ट में, तो 100% कोर्ट मानने से मना कर देगा, भैया ये DPSP का मुद्दा है इसको मैं नहीं टच कर सकता, या फिर अगर मान लो कर भी ले आपका केस ले भी ले, तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो फोर्स नहीं कर सकता, ले तो लेगा पर वो फोर्स नहीं कर सकता किसी स्टेट को कि आपको हमारा बात माननी पड़ेगी, आपको लोगों को ये अधिकार देना, मतलब लोगों को ये काम करके देना पड़ेगा, नहीं। सुपीरियरिटी की बात करें तो इसकी जो लीगल सुप्रीमेसी है ठीक है वो बहुत ज्यादा है, और वहीं पर DPSC आर नॉट अ एनफोर्सेबल, मतलब वही मैंने जो अभी आपको बताया, इनको जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जा सकता, पर फंडामेंटल राइट को यहाँ पर मतलब लीगली फोर्स किया जा सकता है कि भाई ये इस व्यक्ति के अधिकार हैं और ये मानने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। अटेंडमेंट को देखते हैं, हैव ऑलरेडी हैज बीन अटेंडेड और येट नॉट बी अटेंडेड, मतलब चेंजेस जो हो रहे हैं, जो चीज़ें एक्सेप्ट की जा रही है बाहर से उनको क्या एक्सेप्ट किया जा रहा है, बिल्कुल। तो फंडामेंटल राइट्स में होता रहता है, आपने देखा होगा कई सारी चीज़ें मैंने आपको ऐड करवाई थी, DPSP में उतना नहीं होता, ठीक है। बैकिंग,
आर बैक्ड बाई लॉ, इसे नो डाउट सरकार के द्वारा वापस मतलब कानून के द्वारा वापस लिया जा सकता है कोई अधिकार, कानून के द्वारा कोई सी भी अधिकार को क्या आपसे वापस लिया जा सकता है, आपने देखा है ऑलरेडी आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी। फिर पब्लिक ओपिनियन की बात की जाए कहाँ पर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का अगर कोई टॉपिक है तो उसे वापस लेने का तरीका क्या होगा, पब्लिक ओपिनियन होगा। अगर पब्लिक नहीं चाहती तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वापस लेना पड़ेगा। क्लियर? जैसे कि अभी फार्मर्स लॉ बिल आया था, फार्मर्स बिल जो आया था, वो जो तीन बिल थे वो कहीं ना कहीं क्या पब्लिक के विरोध की वजह से वापस लेने पड़े। वो टॉपिक किसका था, इसी का ही तो था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का, फार्मर्स लॉ बिल। तो यहाँ पे सस्पेंशन की बात की जाती है, तो ये आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, जो नेशनल एमरजेंसी लगती है उसके अकॉर्डिंग इनको क्या अबॉलिश किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। क्लियर? पर डीपीएसपी क्या है, बिल्कुल इससे उलट है, स्टेट को ये सारे अधिकार देने पड़ेंगे पर इसे परमानेंटली सस्पेंड एक्चुअल में देखा जाए तो नहीं किया जा सकता, पर स्टेट यहाँ पर इनको मानने से मना कर सकता है, तो सस्पेंशन है पर अलग तरीके से। क्लियर? तो यहाँ पे टाइप ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमको दिखता है क्या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, और यहाँ पर बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सोशल इकोनॉमिकल, बार बार आप ये वर्ड देख रहे हो, तो यहां से हमको पता चलता है सोशो इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी की बात हो रही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। क्लियर है यहाँ पे? तो देखो मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया, मैंने आपको सारी चीजें बता दी, डीपीएसपी वाले टॉपिक में जो भी चीजें हैं वो यही हैं, आपको डीपीएसपी को और ज्यादा इनडेप्थ जानने की जरूरत नहीं है, डीपीएसपी पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर सब पर नहीं होते, तो जितना जरूरी था आपने उतना जान लिया, उतना पढ़ लिया। क्लियर है? अब कल से जो टॉपिक शुरू होगा वो और थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पार्ट फाइव की बात करेंगे, जहां पे हमारे सामने प्रेसिडेंट आ जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे, और साथ ही साथ हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम आएगा। तो कल शायद हमारी जो क्लास होगी वो हमारी होगी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को लेकर। क्लियर? तो कल के लिए तैयार रहो, और अभी तक का जितना चीजें हैं उन सबको याद कर लो अच्छे से, कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आपको पता है आपको मेरे पास किस तरीके से पहुंचना है, मैं आपको इस हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। एंड प्लीज जितना हो सके आप वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका लाइक करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ कमेंट करके आप ये बताएं आप और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, एंड प्लीज वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, या साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं उसको बहुत सारा प्यार दें सब्सक्राइब करके, ठीक है, और हमारी एप्लीकेशंस और हमारी जो अदर आपके लिए इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर वहाँ पर भी हमको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हमारी बेटर कनेक्टिविटी से आपको और ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन पहुँच सके आपके पास। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, थैंक यू सो मच, जय हिंद।